Yes, children. Now we are going to see the next paragraph. Listen carefully. You know that we birds lay eggs and our young ones hatch out of eggs. Mother GIB lays just one egg directly on the ground. We don't believe in building nests, but we have a special trick to protect our eggs from predators. The egg looks like a stone. Monitor lizards, foxes, dogs, pigs, snakes and eagles are enemies of my egg and chick. But my wife protects the egg from all of them. By the time my young ones hatches out of eggs, rains arrive. There's plenty of grass swarming with insects, fresh food for my family. Young ones of other birds soon fly away from the nest, but a great Indian buster, mother and chick stay together for nearly 1 year. The chick learns many more good habits from the mother. Now here, you know that we birds lay eggs and our young ones hatch out of eggs. वो बता रहा है कि हम we lay eggs. Lay eggs मतलब हम लोग अंडे देते हैं. And our young ones मतलब छोटे बच्चे, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, with hatch out of egg मतलब अंडे से निकलते हैं. Hatch करना मतलब निकलना, अंडे से निकलना. Young ones को आपसे बोलते हैं पक्षियों के युवा, छोटे बच्चे युवा. Hatch out of egg means अंडे से निकलना. We lay egg मतलब हम लोग अंडा देते हैं. And वो बोल रहे हैं कि mother GIB is this great Indian buster की जो mother रहती जो lady female है. She lays just one egg directly on the ground. वो सिर्फ एक ही अंडा देती है और जो directly मतलब सीधा जमीन पे गिरता है. We don't believe in building nest. हम नेस्ट जैसे दूसरे बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं और फिर उसमें एग देते हैं, नो, हम लोग डायरेक्टली उसको फ्लोर पे, जमीन पे, ग्राउंड पे देते हैं. हम लोग नेस्ट नहीं बनाते. नेस्ट मतलब घोंसला. बट वी हैव अ स्पेशल ट्रिक. लेकिन हमारा एक स्पेशल ट्रिक है. स्पेशल मीन्स विशेष. ट्रिक मतलब छल. हम एक विशेष छल करते हैं टू प्रोटेक्ट आर एग्स, हमारे अंडों को प्रोटेक्ट, उसकी रक्षा करने के लिए. किससे रक्षा करना है? प्रिडेटर्स मीन्स शिकारियों से रक्षा करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल, एक खास ट्रिक है, छल करने वाला तरीका है. वो क्या है? द एग लुक्स लाइक स्टोन. हमारा जो अंडा है वो पत्थर समान दिखता है. तो कोई शिकारी, कोई किसी भी इंसान को समझ में नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा कि ये इस बर्ड का एग है. उन्हें लगेगा कि ये एक पत्थर है. हाँ, अगर शिकारियों को पता चलेगा कि ये अंडा है, जैसे कि कुछ दूसरे जानवर जो उसको खाने आते हैं या कोई भी, अब तो फिर वो उसे ये करेगा, हार्म करेगा. लेकिन वो ही सेइंग दैट इट लुक्स लाइक अ स्टोन. वो कैसे दिखता है उसका एग? स्टोन के समान. Now what is saying? Monitor lizards, foxes, dogs, pigs, snakes and eagles are enemies of my egg and chick. But my wife protects the egg from all of them. Now who is the enemy of his enemy? कौन है इसके eggs के, जो इसके eggs और इसके chick मतलब इसका छोटा जो बच्चा है उसको परेशान करता है. Enemies कौन है? Lizards. He says the enemies are lizards, foxes, dogs, pigs, snakes, and eagles. These are the enemies. These are the enemies.
के ग्रेट इंडियन बस्टर सुंदर के का जो एग है और उसमें से जो छोटा बच्चा निकल रहा है चिक, उनके एनिमीज कौन कौन है? लिजर्ड, जैसे आपको पता है चिपकली, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स, स्नेक्स एंड ईगल्स. ईगल जो ईगल इज अ बर्ड, ये सारे उसके एनिमीज है. तो इन सबसे क्या करती है जो मदर है, मदर उसकी जो मदर है वाइफ है वो क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है अपने बच्चे को इनसे. वो मॉनिटर करती, मॉनिटर मतलब वो ध्यान रखती है, ध्यान रखना. बाय द टाइम आर यंग वन हैचेस आउट ऑफ एग रेन अराइव, जब तक हमारा जो बच्चा निकलता है एग से तब तक बारिश आ जाता है, बारिश का मौसम चालू हो जाता है. There's plenty of grass swarming with insects. बहुत सारा जब वो बच्चा पैदा होता है, बारिश का मौसम स्टार्ट होता है, तो बारिश के मौसम में बहुत सारा ग्रास मिल जाता है हमको एंड विथ इंसेक्ट्स, बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी मिल जाते हैं जहाँ हमारा बच्चा खाना खा के उसको जी सकता है, सर्वाइव करता है, खाना मिलता है उसको. स्वार्मिंग, नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्वार्मिंग? झुंड, स्वार्मिंग झुंड ऑफ इंसेक्ट्स. स्वार्मिंग ऑफ इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े के झुंड, स्वार्मिंग मीन्स झुंड होना. फ्रेश फूड फॉर माय फैमिली, तो बहुत सारा फ्रेश खाना मिल जाता मेरे फैमिली को. यंग वंस ऑफ अदर बर्ड्स सून फ्लाई अवे फ्रॉम द नेस्ट, दूसरे पक्षियों के छोटे जो बच्चे हैं बहुत ही जल्दी उड़ जाते हैं नेस्ट से, जो नेस्ट बनाते हैं. बट लेकिन द ग्रेट इंडियन बस्टर मदर एंड चिक स्टे टुगेदर फॉर नियरली वन ईयर. जो हमारा द ग्रेट इंडियन बस्टर महान भारतीय टुगेदर मदर एंड बच्चा चिक दोनों साथ में पूरा एक साल तक रहते हैं. द चिक लर्न्स मेनी गुड हैबिट्स फ्रॉम द मदर, जो चिक है जो बच्चा है बहुत सारे अच्छी आदतें सीखता है वहां से. तो अभी आपको समझ में आया यहाँ पे क्या बोल रहा है? वो बता रहा है अपने एग के बारे में. वो कह रहा है कि हम कि आपको पता है दैट वी बर्ड्स, कि हम पक्षियां ले एग, हम लोग अंडा देते हैं. एंड आर यंग वंस आर हैच आउट ऑफ एग, और हमारा जो छोटे बच्चे हैं वो अंडे से बाहर निकलते हैं. मदर जीआईबी लेज जस्ट वन एग डायरेक्टली, जो लेडी है जो फीमेल है जो मदर है वो सिर्फ एक अंडा देती डायरेक्टली जमीन पे. वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट, हम नेस्ट घोंसला बनाने पे यकीन नहीं करते. बिलीव मीन्स यकीन करना, हम यकीन नहीं करना घोंसला बनाने में. बट वी हैव अ स्पेशल ट्रिक, लेकिन हमारे पास एक स्पेशल एक विशेष ट्रिक है, छल छल करने वाला तरीका है. टू प्रोटेक्ट आर एग्स फ्रॉम प्रीडेटर्स, हमारे अंडों को रक्षा करने के लिए, प्रीडेटर्स मतलब शिकारियों से रक्षा करने के लिए. द एग लुक लाइक स्टोन, और क्या है वो ट्रिक? कि हमारा अंडा दिखता है पत्थर के समान, स्टोन के समान. मॉनिटर लिजर्ड्स, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स, स्नेक्स एंड ईगल्स आर द एनिमीज ऑफ माय एग एंड चिक. अब कौन है इसके एग और चिक, अंडे और अंडे का और उसकी जो छोटे बच्चा जो निकलता है उसमें से चिक, उसका एनिमीज कौन कौन है? लिजर्ड, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स, स्नेक्स, ईगल्स, ये सारे एनिमीज है. एंड ही सेइंग दैट उसकी वाइफ मॉनिटर करती, मॉनिटर करना मतलब ध्यान देना, मॉनिटर करना मतलब निगरानी करना, निगरानी करती है इनसे, उनकी निगरानी करती है वो. देर बाय द टाइम आर यंग वन हैचेस आउट ऑफ एग रेन अराइव, उस टाइम जब हमारा बच्चा अंडे से बाहर निकलता उस समय बारिश आ जाता है. एंड देयर्स प्लेंटी ऑफ ग्रास स्वार्मिंग विथ इंसेक्ट्स, बहुत सारा घास रहता है इसमें. स्वार्मिंग मतलब बहुत सारा झुंड में इंसेक्ट्स कीड़े मिलते हैं हमको, जो फ्रेश खाना है हमारे बच्चों के लिए और फैमिली के लिए. यंग वंस ऑफ अदर बर्ड सून फ्लाई अवे फ्रॉम द नेस्ट, दूसरे बर्ड्स के जो छोटे बच्चे हैं बहुत जल्द उड़ जाते हैं नेस्ट से. लेकिन बट मीन्स लेकिन अ ग्रेट इंडियन बस्टर मदर एंड चिक स्टे टुगेदर, एक ग्रेट इंडियन बस्टर महान भारतीय
हस्बैंड मींस आदत फ्रॉम द मदर, वो अपनी माँ से बहुत अच्छी अच्छी आदतें सीखता है। तो इसमें ये बताया गया है। अभी मैं हार्ड वर्क सीखूंगी, उसके मीनिंग आपको लिखना है एंड प्लीज नोट डाउन इट इन योर कॉपी, टेक द पेंसिल एंड राइट डाउन। ओके, हार्ड वर्क ऑफ दिस पैराग्राफ। Young ones. Now young ones means पक्षियों के युवा, पक्षियों के युवा। Next is hatch out means अंडे से निकलना, Next is lay eggs, अंडा देना। छल प्रोटेक्ट रक्षा, प्रोटेक्ट रक्षा करना। नेक्स्ट इज प्रीडेटर, प्रोटेक्ट करना रक्षा करना। प्रीडेटर में शिकारियों। नेक्स्ट इज एनमीज, दुश्मन। स्वार्मिंग इज झुंड। लिख रहे हो क्या? यू हैव टू राइट।